तैयार करने के लिए उस पर टास्क ही दिया गया था। अभी तक वो कमिटी मुझे नहीं मिला। और हम लोग बहुत बीच में प्रयास किए, अभी तक बूथ कमेटी नहीं बनाया गया। ये तय हुआ था कि पंचायत लेवल में जाके सब जगह जाना है, प्रखंड लेवल में। ये शायद मैं पहला आदमी हूँ पूरे राज्य में कि विधानसभा वार जो है मैं दौरा कर रहा हूँ। आज से शुरू किया हूँ और ये कंप्लीट हो जाएगा। हमको लगता है कि 4 विधानसभा तो संडे तक कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद कोडरमा विधानसभा और बरकट्ठा विधानसभा बढ़ेगा, बचेगा। कोडरमा बरकट्ठा विधानसभा भी 5 तारीख का रखा गया था, लेकिन 5 तारीख का प्रदेश कांग्रेस में एक मीटिंग, अहम मीटिंग है, उसमें सभी जिला के अध्यक्ष रहेंगे वहाँ, इसके वजह से उसको पोस्टपोन किया गया। कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए, कांग्रेस पार्टी अभी हम लोग इस पोजीशन पर आ गए हैं अभी कि बीजेपी को परास्त करने के सक्षम हो गए हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी में आपस में गुटबाजी हम लोग को घून के तरफ छा रही है। कम से कम आगामी लोकसभा तक आप लोग इसको बचा के रखिए, गुटबाजी को ख़त्म करिए और इंशाल्लाह मैं ये चारों छः विधानसभा का दौरा कंप्लीट करूँगा, फिर प्रखंड स्तर पर मैं दौरा शुरू कर दूँ। तो हम समझते हैं कि फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर से मैं प्रखंड स्तर का दौरा शुरू करूँगा। इसमें मैं गिरिडीह से ही स्टार्ट करूँगा। गिरिडीह का जो चारों विधानसभा से स्टार्ट करूँगा और कोडरमा में उसको ख़त्म करूँगा। तो आप लोग क्या है कि भाई अभी 10 साल से ये गवर्नमेंट है बीजेपी, वो बोलती है 70 साल से कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। तो भाई आप तो 8 साल पहले लाए थे नोटबंदी और 2000 का नोट लाए, वो 8 साल भी नहीं चला, आपका चला गया। मेरा तो 100 रुपीज़ आया 70 साल पहले, वो अभी तक है, समझे। ये सोचने वाली बात है, इसको आप लोग जन जन तक पहुँचाइए, ये सब की बातों को, बीजेपी के जो नेगेटिव बात है उस सबको पहुँचाना पड़ेगा जिसमें वो फेलियर रहा है। ठीक है, हमारे साथ लोग जुड़ेंगे नहीं तो नहीं जुड़ेंगे। बोल रहे हैं ना कि नहीं जमुआ में लोग जो है ना, मैडम बोल के गई कि नहीं जमुआ में लोग कांग्रेस में नहीं जाना चाह रहे हैं, बहुत मुश्किल से बहुत मोटिवेट किए। उसको और करना पड़ेगा, उसको और तेजी से लाना पड़ेगा। और पंचायत स्तर में भी दौरा करेंगे, प्रखंड स्तर में भी दौरा करेंगे। जो प्रखंड अध्यक्ष काम नहीं करते उस पर एक्शन भी होगा, समझे। ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, वो बचेंगे नहीं। और हम लोग पूरे तरीके से हम एकदम ये आश्वस्त करते हैं आप लोग को सबको कि हम लोग काम करने के लिए ही आए हैं, कोई गुटबाजी हम लोग को नहीं करना है। हम लोग चाहते हैं कि नहीं कांग्रेस पार्टी आए, कांग्रेस पार्टी आएगा तो देश का विकास होगा, अन्यथा बहुत मुश्किल है आने वाले 10 सालों में। आप लोग सब लोग देख लिए हैं, आपकी भाईचारा को इन लोग ख़राब करके रखा है, आप लोग सब देख लिए। अभी सब जगह मैं जाता हूँ, अभी बॉम्बे में मैं बुनकर सम्मेलन करके आया, 1,00,000 लोगों के बीच में मैं बोल के आया हूँ। समझे, 1,00,000 लोग था वहाँ पर, 1,00,000, समझे, 1,00,000 लोग था वहाँ पर। बुनकर सम्मेलन भिवंडी में हुआ, 1 हफ्ता मैं वहाँ कैम्प किया, 1 हफ्ता करके मैं आया। तो सब जगह का यही हालत है, अभी पोजिशन हम लोगों की ठीक हो रही है, बेहतर हो रही है। तो आप लोग इसको ठीक करिए। झारखंड में 14 सीट है इंडिया गठबंधन के पास, 14 सीट हम लोग कोशिश करेंगे कि इंडिया गठबंधन 14 सीट में जीत हासिल करे। पर जैसे 2004 में जैसे हुआ था, उस तरीके से काम करें। हम चाहते हैं कि गुटबाजी यहाँ ख़त्म करें। सब अनुभवी लोग हैं यहाँ, सब जितने लोग हैं सब अनुभवी लोग हैं। जिला अध्यक्ष पुराने पॉलिटिकल फैमिली से हैं, सतीश केडिया जी अनुभवी आदमी हैं, नरेश वर्मा जी अनुभवी आदमी थे, प्रभारी जो है हमारे जमुआ विधानसभा के ये अनुभवी हैं, पूर्व जिला अध्यक्ष हैं, पुराने कांग्रेसी हैं, शशि मोहन सिंह साहब हैं अनुभवी आदमी हैं, वो नारायण बर्नवाल साहब हैं, बिमल साहब हैं अनुभवी आदमी हैं, सारे लोग अनुभवी लोग हैं। तो आप लोग से ये गुजारिश है कि आप लोग एक होकर के काम करें और हम बस एक ही चीज़ चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी, हम लोग कांग्रेस के पूरा रग रग में सभी लोगों के डाल दें, काम करेंगे और सब जगह जाएंगे। अभी 5 जिनमें आप सबों में
जो बातें आ रही है ना, बड़े महत्वपूर्ण बातें आ रही है, जिसे कोई हल्का मेल है तो समझिए कि इससे संगठन नहीं बनेगा। माली जी ने एक बहुत अच्छी बात कहा कि कार्यकर्ताओं को तरजीह अगर नहीं मिलता है ना तो मनोबल छोटा होता है। अब कैसे नहीं मिला वही बताए कि जो गलतियां हम लोग हुई, अगर हम उस गलती पर अगर चर्चा न करें, हम उस गलती में सुधार नहीं करें तो फिर वही होगा। आज जो प्रयास संगठन कर रही है, संगठन तो ये नहीं चाह रहा कि चुनाव कौन लड़ा, संगठन का काम है संगठन बना के रेडी करना, पार्टी का काम है तय करना कि कौन चुनाव लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे, वो सेकेंडरी मैटर है। तो इस मामले को लेकर के जिस तरह से संगठन आज आगे बढ़ रही है, उसमें से निश्चित रूप से जब तक ईमानदारी पूर्वक हम यहाँ लंबा भाषण दे के चले जाएं कि भाई हम तो संगठन ऐसे होना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, हम क्या कर रहे हैं भाई ये चर्चा करिए कि मेरी क्या जवाबदेही है। अगर हमारा बूथ जहाँ है, अगर हमको वहाँ के देखिए ये पहले समझ लेना पड़ेगा कि आप अगर ये समझिए कि मैं बहुत बड़ा नेता हूँ तो काम नहीं होगा। आप देख रहे हैं ना प्रदेश से एक मंत्री को एक लोकसभा का बना दिया गया प्रभारी, उम्र को मान रहे हैं ना, जो प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं बालमुचू जी 8-9 साल चलाए हैं पूरे प्रदेश को, आज वो हजारीबाग लोकसभा के प्रभारी हैं। प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, उनको नहीं होना चाहिए। तो ये संगठन का काम है और संगठन में जब तक हम लोग एक दूसरे की शिकायत खाली करते रहे, काम नहीं करें तो दिक्कत है। हाँ, अब है कि एक सूची जैसे बनाता है प्रखंड का, देखिए सबसे बड़ा लोड प्रखंड की, ये कहिएगा ऊपर से जिला आता, जिला से प्रखंड आता, प्रखंड से पंचायत, तो हम लोग के संगठन निश्चित रूप से पंचायत में नहीं थी, जो बहुत जगह है इसे सुदृढ़ किया जाए। शुक्रिया अध्यक्ष, उसका लोड था लेकिन अभी इस वक्त हम लोग अच्छी जगह पे पहुंच गए हैं। मेरा एक सुझाव था कि हम लोग कोई भी सम्मेलन गांव स्तर पर करें, इसकी शुरुआत बूथ कमेटी से लेकर के पंचायत और पंचायत से लेकर के फिर मंडल और मंडल में सम्मेलन करते हुए फिर हम लोग विस्तार रूप से प्रखंड स्तर पर इसका सम्मेलन करें, ये मेरा एक आग्रह सुझाव। मैं यही सुझावों के साथ अपनी बंगला प्रांगण में हमारे कोरोना लोकसभा के कन्वेनर और एएससी के हमारे हर विधानसभा में पड़ेगा, इसलिए हर हाल में हम लोग कोडरमा लोकसभा कांग्रेस को सीख लेना चाहिए। हमेशा हम बात रखे हैं, जब भी मिले हैं बरमारी जी से, अध्यक्ष जी से, हमेशा मजबूती के साथ रखे हैं और बहुत खुशी हो रही है हमको। हम तमाम अनुभव साहब हमारे यहाँ आए हैं, मीटिंग कर रहे हैं सब लोग के साथ में, और मैं देवरी प्रखंड और जमुआ प्रखंड में इतना मंडल अध्यक्ष बन रहा है, पंचायत अध्यक्ष बन रहा है, बूथ अध्यक्ष बन रहा है, हम सभी साथ दे रहे हैं सब जगह, जहाँ जो लोग हमारे फोन कर रहे हैं हमारे पास अध्यक्ष लोग, हम सबका नाम ले रहे हैं, क्षेत्र में घूमते हैं रोज हर दिन, प्रत्येक दिन हम क्षेत्र में घूमते हैं, हम भी सहयोग कर रहे हैं और हमसे जितना सहयोग बन पाएगा उतना हम भरपूर कोरोना लोकसभा के लिए अपने विधानसभा से हम देंगे, और अगल बगल विधानसभा से भी हम पूरा हैं अपने विधानसभा से हम लोकसभा के लिए। पिछले बार 2019 में हम चुनाव लड़े थे, विधानसभा लगने के बाद पहली बार कांग्रेस से जमुआ सीट लड़े थे, उस समय कांग्रेस का यहाँ एक भी कोई जनाधार नहीं था, लोग वहाँ लड़ते थे इतनी भारी भारी का, लेकिन विधानसभा से कोई चुनाव नहीं लड़ता था। हम गांव गांव जिसमें शक्ति एक चला था प्रोजेक्ट, उसमें गांव गांव जाते सुबह निकलते थे हम गिरिडीह से, और रोज क्षेत्र जाते थे, हमारे फादर बुलेरो कर देते थे पूरा गाड़ी लगभग पुराना कर देते थे, रोज रोज जाते थे जंगल क्षेत्र जैसे कि इधर, तो रोज मेन रोड अच्छा हम लोग गाँव जाइए रचरा बुलर में गाड़ी में घुसेगा ऐसा स्थिति है, क्योंकि यहाँ 15 साल से भाजपा की सरकार में पूरा रहा है।
स्थिति इतनी खराब है, तो हम जब भी जाते थे लोगों को बोलते थे कि आप मेरे पार्टी में आए जुड़िए, तो लोग मतलब नहीं उनको कांग्रेस पार्टी पसंद नहीं, कांग्रेस पार्टी में नहीं जाएंगे। उस समय तो हर हर मोदी घर घर मोदी का नारा था, हम प्रसम लहरा रहा था, तो उन्होंने आप मोदी के मत देखिए, आप हमको देखिए, हम आपके सुख दुख में रहेंगे, जो भी समस्या आप हमको बोलिए हम खड़ा रहेंगे। फिर आप मोदी जी वोट दीजिए, मोदी जी आपको देखने आएगा, कोई तरह दिक्कत होगा तो हम आपके पास देखने आएंगे। इस तरह से बोल बोल के लोगों को मोटिवेट करके संगठन को जोड़े, संगठन को मजबूत किए, हमारे सहयोग दिए, मंसर जी दिए, नरेश जी दिए, सचिन जी दिए, विनोद जी दिए, सभी लोग का सहयोग से हमें चुनाव लड़ी। और मैं ज्ञानी सर बहुत मजबूत लाई हूँ, सभी का मैं धन्यवाद करती हूँ। और मैं क्षेत्र में